अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक रिलायंस पावर ने हाल ही में DBS बैंक के साथ एक ऋण निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक रिलायंस पावर मार्च के अंत तक DBS बैंक को 110 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। DBS बैंक के साथ हुए ऋण समझौते से पहले रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी प्रस्तावित 1200 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास अधिकार THDC को 128 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। इस सकारात्मक घटनाक्रम से रिलायंस पावर शेयरों की कीमत में हालिया उछाल आया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस पावर जल्द ही स्टैंड अलोन तौर पर कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी, जो कि रिलायंस पावर के 30 लाख से अधिक छोटे शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी का शेयर भाव 31 रुपए के आसपास का कारोबार कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में रिलायंस पावर स्टॉक ने अपने निवेशकों को 750% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर की कीमत 2021 में 3 रुपए से बढ़कर 5 जनवरी 2024 को 33 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इससे कंपनी के 30 लाख से अधिक छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी संपत्ति तैयार हुई है। शेयर बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस पावर के शेयर की कीमत मौजूदा स्तर से दोगुनी हो सकती है।